किडनैप हो जाती हैं, तो वो नारा कहाँ गया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यहाँ के बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। जो कश्मीर में वाकई हुआ आपने देखा, दो 9th क्लास में पढ़ती बच्चियाँ, इनको किडनैप किया गया। वो माँ बाप क्या सोचेंगे, हम बच्चियों को पढ़ाना चाहिए? वो मैं तो कहता हूँ जो भ्रूण हत्या हो रही है, हम तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, जो भ्रूण हत्या हो रही है सबसे बड़ा कारण यही है कि बेटियाँ हमारी महफूज नहीं है। जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती है वो सोचता है मेरे ऊपर आफत आ गई है, अब पता नहीं मेरी बेटी बड़ी हो के इसकी इज्जत आबरू सेफ रहेगी ना रहे। इस वाक्य से मुझे लगता है हर माँ बाप जब बेटियों को कहीं बाहर भेजेगा पहले जरूर सोचेगा कि बेटियों को बाहर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। और परसों का जो वाक्य हुआ है, आज हमें पता चला है कि शायद कोई अरेस्ट हुई है, लेकिन अरेस्ट होने के बाद हम ये चाहते हैं इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। हमें ये लगता है कि खाली किडनैपिंग हम इसके लिए नहीं है, मुझे ये लगता है हमें सब महसूस कर रहे हैं कि कम्युनल हारमोनी को खराब करने के लिए ये सब किया गया। ये एजेंसियों का आना वहाँ पे सिख रह रहे हैं, और ये लोग चाहते हैं कि सिख भी वहाँ से निकल जाए, हिंदू जो सिख मुसलमान आपस में झगड़े। लेकिन हमें इतनी पेशेंस है, जब तक रियलिटी सामने आएगी हम रोड की रियलिटी जान जाएंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका हमने क्या करना। अगर हब्स की बात है तो उनका आज का तो कानून ही बड़ा सख्त है, थोड़ा सा किसी गवाही की जरूरत नहीं, वो सजाए मौत है। किडनैपिंग में भी इसका बहुत सख्त कानून है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और अगर कोई साजिश है तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको बड़े बिल्कुल तरीके से सोच समझ के इनको लोगों को बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए कि जो ऐसा लोग करने से ही सारा कश्मीर का माहौल अगर खराब हुआ है तो यही साजिशें जो चल रही है इनकी वजह से माहौल खराब हुआ है कि जो आज जम्मू में ना पहुँच जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका सख्त एक्शन लिया जाए। मटन में उद्देश्य क्या है, क्या ये कम्युनल हारमोनी को खराब करने के लिए किया गया है? जैसे हब्स का मसला है, जब तक ये रियलिटी सामने नहीं आएगी सिख कौम बिल्कुल अब आराम से नहीं बैठेगी। ये बच्चियों का मसला है, बच्चे सिख की हो, बच्चे हिंदू की हो, बच्ची मुसलमान की हो, बच्ची बच्ची की, तो हम चाहते हैं इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर सीरियस एक्शन होना चाहिए। और पूरी गवर्नमेंट को ये पता चलना है कि किसी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है चाहिए, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कब आके आए सर? 31 साल। कौन सी जगह थी सर? मटन। सर अभी थोड़े चिर पहले कठुआ में भी केस हुआ था, उसके बारे में भी अभी कोई छानबीन नहीं हुई है, केस चल रहा है, अभी आके मटन में हुआ, तो क्या सरकार सोई हुई है? देखो इसमें ये ज़्यादा हाथ एजेंसी होता है, जो कठुआ में वाक़ हुआ उस वाक्य को आपने पेपर में पढ़ा, आपके मीडिया से न्यूज आती है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए, लोगों की इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अपने लोगों ने कुछ गलत साजिश काम करना शुरू कर दिया, जिससे ताकि ये केस को दबाया जा सके। लेकिन ये अगर ये सीबीआई को केस दिया जाता कड़ुए वाला, तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी थी, सब कुछ निकल के बाहर आना था। प्रॉपर इंक्वायरी इसलिए नहीं हुई कि सीबीआई को केस नहीं दिया गया, उसमें भी कोई साजिश है। हम ये चाहते थे कि इसमें सीबीआई की इंक्वायरी हो जाती है अगर, तो वो दूध का दूध और पानी का पानी होना था। ऐसे ये जो वाक्य होते हैं ये खाली अचानक नहीं हो जाते, इनके पीछे बैठ के पूरी प्लानिंग बनती है। जब छत्तीसपुरा में 36 मारे गए, वहाँ पर प्लानिंग थी 36 को मारने की, जैसे हमारे सीनियर लीडर जसपाल सिंह मंगल जी ने अभी बताया प्रेस में, तो उनकी प्लानिंग थी 36 को मारने की पहले ही, बिल क्लिंटन के आने के पास उनका स्वागत करने के लिए 38 सरदार मारने थे, 2 पाके चले गए, 36 मारे गए। ये पहले प्लानिंग्स होती हैं, कैसे प्लानिंग करनी है, ये एजेंसियों की बात है, कौन करते हैं ये लोग, ये इन लोगों का किसी धर्म से कोई लेन देन नहीं, ये किसी धर्म के सके नहीं होते हैं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनका कोई धर्म नहीं है। इनका धर्म है एक तो दहशत फैलानी, कोई मरे रहा है कोई जी रहा है, इनको उससे लेन देन नहीं है। तो हम ये भी चाहते हैं कठुआ वाले केस को भी अभी भी कोई बात नहीं है, सीबीआई को देखे उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस केस में जो अभी वाकई कश्मीर में हुआ है इसकी भी इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। लड़कियों को पकड़ दिया, बेहोश कर दिया, छोड़ दिया, ये इतनी बात नहीं खाली, ये भी कोई बड़ी साजिश है। अगर कोई एक लड़की को वहाँ पर होश ना आती, वो अपने पेरेंट्स को कंडक्ट ना कर पाती, तो क्या होना था उनके साथ, लड़कियों के साथ? ये तो भगवान ही जानता है।
वो तो उनको भगवान ने बचा लिया, किसी एक लड़की होश आ गई, उसने अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट कर लिया, उसने नीचे फेंक दिया, उनको चले गया वहाँ से। ये सारी बातें साजिश की हैं, इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट को कड़े स्टेप लेने चाहिए, लाइट ली नहीं देनी चाहिए।